अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी जा रही होगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास यानी फर्स्ट ईयर मैथ की पेरेंट स्कीम फॉर द ईयर 2024। नेक्स्ट ईयर में आपके जो एनुअल एग्ज़ाम होंगे उसमें जो मैथ का पेपर है उसका क्या पैटर्न होगा, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन कैसे आएंगे। फॉर ऑल पंजाब बोर्ड्स, पंजाब में जितने भी एजुकेशन बोर्ड्स हैं, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान साहिबाल, डीजी खान, सभी के लिए एक ही पेरेंट स्कीम है। इसी के मुताबिक तमाम बोर्ड्स का पेपर रहेगा। इस स्कीम को आपने अच्छे तरीके से समझना है, स्टडी करना है, इसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है। और आप इसके मुताबिक तैयारी करेंगे इसका बहुत सारा फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा क्या होगा, आपको टाइम की बचत होगी, आपको पता चलेगा किस चैप्टर का आपने ज़्यादा करना है, किस चैप्टर का आपने काम करना है, किस चैप्टर में से कितने सवाल लॉन्ग करने हैं, किस में से शार्ट करने हैं। ठीक है, तो इसके मुताबिक आप तैयारी करें, इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे, 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। तो मैथ के पेपर के 100 मार्क्स होते हैं और टाइम अलॉट होता है 3 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यूज होते हैं, आपको 20 एमसीक्यूज आएंगे, 20 में से 20 आपने अटैम्प्ट करने हैं और एमसीक्यूज के 20 मार्क्स होते हैं। इसलिए आपने जो एमसीक्यूज हैं उनको आपने इग्नोर नहीं करना। तो मेरा ये वाला जो चैनल है, इस चैनल के ऊपर फर्स्ट ईयर मैथ के जो एमसीक्यूज हैं उसकी वीडियो मैंने बनाकर रखी हुई है, उनको डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एमसीक्यूज आप वहाँ से तैयार करें, वो एमसीक्यूज तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कहीं और से एमसीक्यूज तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, आपका एमसीक्यूज कहाँ से आने, किस यूनिट से आने, कितने एमसीक्यूज आने हैं। फर्स्ट यूनिट में से आपका एक एमसीक्यू आएगा, सेकेंड यूनिट में से एक एमसीक्यू, थर्ड में से 2, फोर्थ में से 2, फिफ्थ में से 1, सिक्स में से 2, सेवन में से 2, एट में से 2, नाइन्थ में से 1, टेंथ में 1, अलेवंथ में 1, ट्वेल्थ में 1, 30 में 1, 40, यानी जो सारी बुक है तमाम चैप्टर में से कहीं से एक ही एमसीक्यू आना, कहीं से 2 एमसीक्यूज आने हैं। इसलिए आपने सारी बुक के तमाम एमसीक्यूज को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि आप फुल मार्क्स ले सकें। अब उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्टिव पेपर होता है, सेक्शन 1 होता है, 4 क्वेश्चन होते हैं। 4 क्वेश्चन कौन से होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये आपके 4 क्वेश्चन होते हैं और 4 क्वेश्चन के 50 मार्क्स 50 नंबर होते हैं। सेक्शन 1 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इसके 50 मार्क्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 16 मार्क्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 16 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 के 18 मार्क्स होते हैं, टोटल इनके 50 मार्क्स बन जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे आता है, आपको टोटल आपको 12 चार्ट क्वेश्चन आएंगे, 12 में से आपने कोई से 8 चार्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, अटैम्प्ट यानी 8 चार्ट क्वेश्चन ओवर टॉफ 12, यानी 4 की आपके पास ऑप्शन होगी। अब कहाँ से आने हैं 12 चार्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 1 में से 3 चार्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 2 में से 3 चार्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 3 में से भी 3 शार्ट क्वेश्चन और यूनिट नंबर 4 में से भी 3 शार्ट क्वेश्चन। यानी जो पहले चार चैप्टर हैं 1, 2, 3, 4 फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं, इनमें से आपके 3-3 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, इनको आपने शार्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह 12 शार्ट क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपने एनी 8 अटैम्प्ट करने हैं। वो कहाँ से आने हैं, 5th यूनिट में से 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, 6th यूनिट में से 5 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, 7th यूनिट में से 2 शार्ट क्वेश्चन हैं और यूनिट नंबर 8 में से 3 शार्ट क्वेश्चन हैं। तो 5, 6, 7, 8 ये 4 यूनिट्स हैं, इनमें से आपको 12 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपने कोई से 8 शार्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको 13 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, 13 शार्ट क्वेश्चन, उनमें से आपने कोई से 9 शार्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, इनके 18 मार्क्स होंगे। तो चैप्टर नंबर 9 में से 3 शार्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 10 में से ये वाला ट्रिगोनोमेट्री का पोर्शन है, उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है। चैप्टर नंबर 10 में से भी 3 शार्ट क्वेश्चन हैं, 11 में से 1 है, 12 में से 3, 30 में से 1, 40 में से 2, ये वाले आपके शार्ट क्वेश्चन हैं, यूनिट नंबर 9 से लेकर 14 तक, इनको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद सेक्शन 2 होता है, सेक्शन 2 में क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 टू 9, यानी आपके पास
पांच लाइन क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 आए। पांच में से आपने कोई से तीन लाइन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर लाइन क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों करेंगे तो आपका, दोनों पार्ट्स करेंगे तो आपका एक लाइन क्वेश्चन कंप्लीट होगा। हर लाइन क्वेश्चन के 10 मार्क्स होते हैं, 10 + 10 + 10 = 30, तो लाइन क्वेश्चन के 30 मार्क्स होते हैं। अब कहाँ से लाइन क्वेश्चन आने हैं? क्वेश्चन नंबर 5, तो यूनिट नंबर 3 में से पार्ट ए आएगा, यूनिट नंबर 4 में से पार्ट बी आएगा। यानी दोनों चैप्टर आप तैयार करेंगे यूनिट नंबर 3, 4, तो फिर आपके एक क्वेश्चन लाइन क्वेश्चन तैयार होगा। यूनिट नंबर 3 भी लेंथ ही है, यूनिट नंबर 4 भी लेंथ ही है, लेकिन आपने दोनों यूनिट पढ़े हुए हैं 9th क्लास में 10th क्लास में। ये मैट्रिसेस वाला है, ये वाला क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाला है, तो आप इनको आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनिट नंबर 5 में से ए पार्ट आएगा, यूनिट नंबर 6 में से बी पार्ट आएगा। ये वाला पांचवा फ्रेशर वाला चैप्टर है, ये आपने पढ़ा हुआ चैप्टर आपके 10th क्लास में। ये वाला नया चैप्टर है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो ये दोनों चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूनिट नंबर 7 में से ए पार्ट, यूनिट नंबर 8 में से बी पार्ट आएगा। ये दो चैप्टर्स हैं, इनमें से आपके क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यूनिट नंबर 9 में से ए पार्ट आएगा, यूनिट नंबर 10 में से बी पार्ट आएगा। ये वाला ट्रिग्नोमेट्री है, 9th और 10th, ये वाला ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स हैं। 9 और चैप्टर नंबर 10 में से आपका क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में से आपका क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। ये भी ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स हैं। यानी आप देखें, ये दो, ये चार चैप्टर्स हैं, 9, 10, 12, 13, ये ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स हैं। इनमें से आपके दो लाइन क्वेश्चन आएंगे। ये वाले जो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर हैं, ये ईजी हैं, इसमें क्वेश्चन भी थोड़े हैं, आप जल्दी कर सकते हैं। तो मेरी जो आपका मशवरा है वो यही है कि आप चैप्टर नंबर 9, 10, 12, 13 ये मुकम्मल करें, उसके साथ आप चैप्टर नंबर 3 या 4 कर लें, आपके 3 लाख क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।